भी तो कहती हो सारी हो, अब भी
संसार में भी ये है एक नया अलौकिक संसार। संसार के अंदर हमें नया संसार मिला है, ये अलौकिक संसार है। अलौकिक संसार क्यों है? वो संसार जिसमें सुख नाम का है और दुख ही दुख है। और ये अलौकिक संसार कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन आत्मिक सुख के झूले में, आत्मिक आनंद के झूले में झूलते रहते हैं। हुआ ना अलौकिक, दुखमय होते हुए भी उसको अपने अपने मन से, बुद्धि से, बाबा के द्वारा ज्ञान से, पुराने से नया बना रहे हैं, और नए की खुशी और उमंग तरंग बहुत रहता। तो अपने आप को नया बना रहे, नया जीवन तो मिला बाबा से तोहफे के रूप में, लेकिन उसको अब जितना हम नया बनाते जाते हैं, किन बातों की स्मृतियों से ये जीवन में नवीनता आती चली जाएगी। नया जीवन बाबा की दी हुई गिफ्ट है, लेकिन इसको, इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए नवीनता अपने में धारण करनी है। तो कौन कौन सी बातों की स्मृतियाँ होंगी, तो दिन पर दिन, हर दिन नवीनता जीवन में आती चली जाएगी। तो कौन सी स्मृति हो, क्योंकि खेल ही हमने जाना है, खेल का राज जान लिया है, स्मृति और विस्मृति का ही तो खेल है। तो इसलिए स्मृति के आधार से हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ पाना भी है, धारण करना है तो पाते चले जाएंगे ना। आध्यात्मिक जगत किसको कहा जाता है? आध्यात्मिक माना भौतिक जगत, बाहरी चीजों को देखते हैं हम। आध्यात्मिक जगत अंदर से बाहर की ओर आते हैं। अंदर क्या है? अंदर क्या है? बाहर दुनिया में देखते पर पाते कुछ भी नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं है। वो कैसा मिलता है? मृत तृष्णा के समान। और अंदर से जब बाहर आते हैं तो क्या मिलता है? भरपूर आनंद। जानते हैं, बाहर की कहानी को सुने और देखे जाना है,
भारत पहले कैसा था? सुख शांति संपत्ति सब कुछ से, धन दौलत से भरपूर था। और आज का भारत कैसा है? दुखों से भरपूर है। तो बाबा आए हैं इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया, सुखों से भरपूर बनाने के लिए। तो भारत को भरपूर बनाने के लिए अपने एक एक बच्चों को भरपूर बना रहे, खजाने भर भर कर देकर। तो देने वाला दाता तो भर भर करके दे रहा है खजाने, फिर उन खजानों का हम क्या करते हैं? खुद को पता है उन खजानों का क्या करते हैं? वो खजाने किनकी जीवन में सफल होते चले जाते हैं, मानो उसे कमाई दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है, किनकी? जो समय की वैल्यू को जानते। तो समय की वैल्यू को जानने से ही वो खजाने बढ़ते हैं। तो इसलिए वो अंदर खजाने कौन से हैं जिन्हें हमें बाहर लाना है, अंदर खजाने हैं उसको क्या कहते हैं? अंदर में है दिव्यता। और जब वो खजाने बाहर आते हैं दुनिया में, कैसे आएंगे बाहर? हमें पहले अपने अंदर देखना है। क्या देखा हमने? बाबा ने हमें बताया, याद दिलाया, और याद के साथ हमने उसको अनुभव किया। अंदर क्या खजाने हैं हमारे अंदर? खजाने है ना, 7-8 खजाने, सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान शक्ति, ये सारे अंदर, आत्मा के अंदर खजाने हैं। तो जब हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं, इनका अंदर हम अनुभव करते हैं, और उस अनुभव को क्या करते हैं? अनुभवों को औरों को बांटते हैं, मनन करते हैं और औरों को बांटते हैं, तो ये और बढ़ता है, और उन औरों की भी समस्याओं का हरण हो जाता है, समस्या दूर हो जाती है, दुख दूर हो जाते हैं। तो इस रीति खजाने बढ़ते चले जाते हैं, इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। तो इसलिए भौतिकता से कलयुग आया, भौतिकवाद के कारण आया, और अब हम कहाँ चल रहे हैं? उस सुख भरे संसार में। परंतु कैसे चल रहे हैं उस सुख भरे संसार में? समय की बहुत सुंदर बाबा ने पहचान दी है। तो बाबा ने कहा, कौन कौन सी बातें याद रखो तो अपने में जल्दी जल्दी परिवर्तन आए? कौन सी बात याद रखो? तो बाबा कहते हैं, भूलो मत और भूले मत करो। तो कौन सी बात भूलो नहीं और कौन सी भूल नहीं करो? ये भूलो मत कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, और किसी को भी दुख देने की भूले नहीं करो। तो पुरुषोत्तम संगम युग है, ये याद रखने से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है? संगम है, यानी हम अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जा रहे हैं। तो अपना पुराना परिवर्तन, पुराने संस्कारों को छोड़ करके अब हम नए संस्कार धारण कर, दैवी गुण धारण कर रहे हैं, गुण धारण कर रहे हैं, देवता बनना है, नई दुनिया में जाना है या नई दुनिया को लाना है, तो अपने में गुण धारण करें अपने। तो ये है क्या? पुरुषोत्तम संगम युग की याद से खुद को हम बदलते हैं, दुनिया को बदलना माना खुद को बदलते हैं। इस संगम युग की स्मृति से खुद में बदलाव आता जाता है। और दूसरी बात, और बहुत सी बातें बाबा ने सुनाई इससे क्या क्या परिवर्तन आएगा इस स्मृति से। दूसरी बात, एक तो ये समय को ना भूलो, ये संगम युग पुरुषोत्तम युग है, दो दिन से बाबा सुना रहे ना, उत्तम पुरुष बनने का समय, इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहते हैं। और दुख देने की भूले मत करो, देवान में आकर के दुख देते हैं, तो ये भूल बाबा बहुत मीठे से और प्यार से बताते कि मीठे बच्चे किसी को भी दुख मत दो, ये भूल देवीमान में आने से होती है। और बाबा को भूलते हैं ये भी भूल है, जब बाबा को भूलते हैं तो दुख देते हैं, बाबा तो कभी नहीं दुख देते हैं। और दूसरी बात बाबा कहता हूँ क्या, मेरे दो प्रकार के बच्चे हैं, भोगी और योगी। तो इसलिए ना तो भोगी बनो ना रोगी बनो, परंतु बनो राजयोगी। तो किनको कहते हैं राजयोगी? रोग ना आती है, रोग आता है, लेकिन रोग कष्ट में कष्ट अनुभव ना हो। कैसे अनुभव नहीं होगा? दो दो चीजें हैं, केवल ये आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज जरूरी, आत्मा और प्रकृति, आत्मा और शरीर दोनों स्वस्थ होने चाहिए, दोनों को स्वस्थ होने की समय जरूरत है। तो
कैसे स्वस्थ हो सकती है, ये तो पुराना शरीर है। तो उसके लिए जब आत्मा स्वस्थ में स्थित रहेगी तो कष्ट कष्ट फील नहीं होगा, उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। वर्णन करने में क्या परिवर्तन आ जाएगा, उसमें भी संतुष्ट रहेगा, कष्ट में भी संतुष्ट रहेंगे, ऐसा परिवर्तन आ जाएगा। तो इसलिए ये भी अपना लक्ष्य रखना है कि हम राजयोगी हैं। तो राजयोगी बनने के लिए योग की भी कई अवस्थाएं हैं। इसको क्या कहते हैं, राजयोग कैसे होगा, योगी हम कैसे बनेंगे। योग की तीन कड़ियां हैं, एक है निरंतर योगी, निरंतर योग करना, और दूसरा क्या है, निरंतर के साथ लंबाई और चौड़ाई भी हो योग की। निरंतर योगी माना लंबे समय तक बाबा की याद, और चौड़ाई माना सर्व संबंधों की याद, सारा संसार आ गया, सर्व संबंधों की याद, और लंबाई क्या हुई, चौड़ाई क्या हुई, सर्व संबंधों के साथ उसको निरंतर याद करना, सर्व संबंध से याद करना। तो इस आधार से जब हमारा योग कैसे हो सकता है, वैसा योग कैसे हो सकता है, जब हम प्रयोगी बनेंगे, हम सहयोगी बनेंगे, हम औरों के लिए, औरों के जीवन में उपयोगी बनेंगे, तो तब हम बनेंगे राजयोगी व सहज योगी बनेंगे। की बात बाबा कहता पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। किस आधार से पुरुषोत्तम बन सकते और बना सकते हैं, वो दो बातें बाबा ने सुनाई हैं, वो है एक तो है पवित्रता और दूसरा है कोई भी बुरी बातें न सुनो। बुरी बना असत्य बातें, रॉन्ग बातें नहीं सुनो। बाबा राइट सुनाता है, वही बाबा की सुनाई राइट बातें सुनो। तो ये दोनों धारणाएं होने से क्या बन जाएंगे, पुरुषोत्तम बनेंगे और वो भी आप पुरुषोत्तम बना सकते हैं। इस रीति से ये है हमारा टावर ऑफ प्यूरिटी और टावर ऑफ साइलेंस, इतनी ऊंचाई तक पहुंचना है। 28/3/2024 की वाणी, मीठे बच्चे ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। ये परिवर्तन का युग, परिवर्तन का समय है संगम, परिवर्तन का समय। इस युग को तुम भूलो मत, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। कौन सी है वो, मीठे बच्चे अब भूले मत करो। यहाँ तुम किस लिए आए हो, नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो, किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो क्या होता है, भूले करते हैं तो दुख देते हैं, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे माम एकम याद करो, योगी बनो तो विकर्ण विनाश हो जाएंगे और तुम बहुत मीठे बन जाएंगे। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सच्चा योगी कहा जाता है। क्यों, कि बाप ट्रुथ है ना, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, वो ट्रुथ है। तो तुम्हारा बुद्धि योग किसके साथ है, सत्य के साथ। वो जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं, भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन तुम्हारा योग एक ही प्रकार का है। उनों का संन्यास अलग है, तुम्हारा संन्यास ही अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी और
किसी को भी इस योग का पता ही नहीं है। हम हैं पावन योगी, वो हैं पतित भोगी, ये भी बच्चे जानते नहीं हैं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता, वो अपने आप को समझते हैं। और तुम ये समझते हो, तुम क्या समझते हो? सत्य स्मृति रिवाइज कीजिए। बाबा ने सुनाया, बाप तो सत्य है, तो वो तुम आत्माओं को समझाते हैं, सबको बच्चा समझकर बेहद की आत्माओं का पिता समझते और बच्चे बच्चे कहकर समझाते। और तुम ये सब समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई है, यही तो सत्य समझते, जिससे हमारे कर्म भी राइट होंगे। वो हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वो है भोगी और तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, ये भी तुम जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये तुम्हारे बिगर कोई नहीं जानती। इसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों कहते हैं इसको? पुरुषोत्तम अक्षर बाबा कहता, कभी भी नहीं भूलना, ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम किसको कहा जाता है? पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्यों को। ऊंच और पवित्र कौन है? ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। कब थे ये? हाँ, ये 5000 वर्ष पहले थे, और 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम योगी ब्राह्मण कुल के। ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा। एक नई बात और सुनाते हैं, जब पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं तो क्या स्मृति में आती है कुछ? हाँ, नई बात क्या याद आती है? क्या नई बात स्मृति में आती है? किन दो का मिलन है ये संगम? किन दो का मिलन है? ये तो पहले जानते थे, नई बात तो नहीं। नई बात बाबा कहते हैं ये है, ऊंचते ऊंच ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं, शिव बाबा तो अशरीरी। बच्चे समझ गए हैं, समझ गए अशरीरी और शरीरधारी का इस समय मिलन होता है। पुरुषोत्तम संगम युग किसका मिलन है? अशरीरी शिव बाबा और शरीरधारी ब्रह्मा बाप का मिलन का। उनको तुम कहते हो बाबा, तो ये वंडरफुल पार्ट है। इसका गायन भी है, मंदिर भी बनाते हैं। कोई किस रीति, कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं, तो ये भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवान वाच्य कहना पड़े, मनुष्य भी बहुत कुछ सुनाते रहते हैं। फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को समझाता हूँ, और कोई समझ भी ना सके, बच्चों को ये वंडरफुल राज सुनाता हूँ। परंतु बाबा कहता, तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखना भूल जाते हैं। लिखेंगे तब तो समझेंगे कि ये पुरुषोत्तम युग क्या, कौन सा युग है? कल्याणकारी युग है, सबके कल्याण करने का समय है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में कौन होते? नई दुनिया में होते हैं देवताएं। युगों का भी अभी तुमको पता पड़ा है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। ये भूलने से क्या होता है? सारा ज्ञान भूल जाता है।
स्वपरिवर्तन की बात, ये तो मूल है, ये भूल जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? अभी हम बदल रहे, कौन कौन बदल रहे हैं? बदल रहे हैं पुराने से नए, पुराने छोड़ रहे हैं संस्कार, देवी नए संस्कार आते जा रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल कर नई होनी है, बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। प्रकृति भी बदलती है, पावन बनती है, आत्माएं भी पावन बनती हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, क्या हैं? सब बच्चे हैं ना, सब बच्चे हैं और सबका ड्रामा में पार्ट है। चक्र को भी सिद्ध करना है, हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। कौन स्थापन कर सकता है ये सब? आदि सनातन देवता धर्म कौन स्थापन नहीं कर सकता? बाबा कहते ये धर्म कोई ब्रह्मा स्थापन नहीं करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म, पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य है, और नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। वो देवी देवताएं कहने से ही क्या आ जाता है? कितनी स्वच्छता, पवित्रता और शांति आती है ना। तो नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं और देवताएं पवित्र है, वहां रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही क्या होता है? रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को, रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। हनुमान भी भूल गया था तो उसको लगता था कि इतना बड़ा समुद्र में कैसे पार करूंगा, कैसे, हाँ इसको पार कर सकते हैं। तो वहाँ उनको याद दिलाया, पासवर्ड याद दिलाया, कौन सा? जय श्री राम। इतना बोलने से वो पार लग गया। तो हमारा भी पासवर्ड है, भूल जाते हैं ना, बहुत बार भूलते रहते हैं और बाबा याद दिलाते रहते हैं, बस सिर्फ एक बाप को याद करो, इसलिए बाबा कह रहे हो। परंतु वो राज्य कैसे स्थापन होता है ये तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। रचता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता, उसकी क्वालिटी क्या है और रचना की क्या विशेषता है? बाप है रचयिता, रचयिता अर्थात बीज रूप, और बीज रूप जिसको कहा जाता है वो वृक्षपति है। अब वो जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है, सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है। परंतु वो है जड़ और ये है चैतन्य, तो इसलिए इस चैतन्य बीज को, इस बीज को क्या कहते हैं? सत चित आनंद स्वरूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है और उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। कोई बीज को देखे तो नहीं समझ सकते इससे इतनी बड़ी झाड़ की उत्पत्ति होती है, समझ है अभी तो जानते हैं। परंतु शिव बाबा कैसे नई दुनिया बनाते हैं ये कोई नहीं समझते। मॉडल तो छोटा बनाते हैं, मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है और उसका रचयिता वो भी ऊंच से ऊंच। बाप नॉलेज फुल है, इस झाड़ की नॉलेज बहुतों को होती है, उस झाड़ की, उन झाड़ों की नॉलेज, लेकिन इसकी नॉलेज वो सिर्फ एक बाप ही देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल कर बेहद की बुद्धि दी है। मांगते भक्ति में मांगते थे ना, अभी तो उसके बनने से स्वतः ही मिल गई सद्बुद्धि दो। अब बाप के बने तो कौन सी बुद्धि मिल गई? बेहद की बुद्धि बाप ने दी। तो तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो, कितना बड़ा पुलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को
बेहद में ले जाते हैं। अभी सारी दुनिया पतित है, सारी सृष्टि ही हिंसक है। क्या करते रहते हैं? एक दो की हिंसा करते रहते हैं, सब एक दो की हिंसा करते हैं, काम कटारी चला कर। तो अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, अहिंसक सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म होता है सतयुग में। और जब वहाँ अहिंसक होते, पवित्रता होती, तो पवित्र सुख शांति में वहाँ सभी रहते हैं सतयुग में। सब मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना रहती है? सतयुग में कोई कामना नहीं है। क्यों नहीं होती? कोई कामना क्यों नहीं होती? आवश्यकता तो रहती है पर कोई कामना नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि वहां तो सब कुछ भरपूर है, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। पहले ये बॉम्बे तो थी ही नहीं, देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते, खारे सागर के किनारे देवताएं नहीं रहते। कहाँ रहते? मीठी नदियां जहाँ थी वहां थे देवताएं। मनुष्य थोड़े थे तो एक एक को बहुत जमीन होती वहां पर। सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड, तो तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। जिस विश्व की तुम राजाई लेते हो उसको कहते हैं राम राज्य। पहले पहले नया झाड़ कैसा होता है? झाड़ की नॉलेज हमारे ही पास है ना। पहले पहले नया झाड़ कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। पहले थुर में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन से तीन ट्यूब निकलती है। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, परंतु इसमें तो विचित्र बात है। वो क्या विचित्र बात है? थुर से टाल टालियां छोटी छोटी निकलती है, डालियों से टाल टालियां निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा सामने खड़ा है लेकिन थुर तो उसमें है ही नहीं, सूखता भी नहीं है, फिर भी वो सूखता नहीं, जड़ नहीं है फिर भी नहीं सूखता है। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, तो कौन सी चीज नहीं है? थुर नहीं है माना कौन सा धर्म नहीं है? देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं। थुर तो यही है ना, मुख्य धर्म तो तना तो यही है ना। राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में आ जाता है। बाप कहते हैं हम तीन धर्म स्थापन करते हैं, ये कौन समझ सकते हैं? ये तुम संगम योगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाता है, क्यों? क्योंकि उन्हें उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है, वहां विकार में जाने की बात मना नहीं होती है। और यहाँ बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है। तो ऐसे तो और कोई कह ही नहीं सकता ऐसा। हाँ, बल्कि यहाँ कहते भी हैं तो लोग क्या कहते हैं, ये कहना छोड़ दें कितने ढेर मनुष्य हो जाएंगे। लेकिन जो बाप कहते हैं वो जो बाबा बनाता वो तो कोई मनुष्य बना भी नहीं सकता। काम महाशत्रु है, यहाँ बाप कहते हैं उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह ना सके। नहीं तो अगर कहे तो उनके पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात सुनते ही नहीं। कहते हैं विकार बिगड़ बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन विचारों का भी बाबा कहता दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी हैं भगवानों वाच्य काम महाशत्रु है, उनको जीतने से क्या होता है? गीता में तो लिखा है उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते ही नहीं है।
वो जब ये अक्षर सुनाते हैं तो उनको समझाना चाहिए, सुनाने वाले गीता पाठियों। इस पर बाबा कहते हैं, समझाने के लिए बाबा ने कोई युक्ति बताई है ना, जो गीता पाठी ये सुनाते हैं परंतु उसकी धारणा वहाँ पर नहीं है। बड़े बड़े विद्वान कहलाते हैं, पढ़ लेते हैं और कंठस्थ कर लेते हैं, फिर सुनाते रहते हैं, विद्वान कहलाते हैं। और हमारी दादी जानकी थी, कुछ विद्वान थी क्या, पढ़ी हाँ 3-4 क्लास केवल, और बड़े बड़े विद्वान उनसे सुनने आते थे। क्या सुनने आते थे? विज्ञान की बातें, विज्ञान राजयोग की बात, राजयोग सीखने आते थे। तो इस इसके लिए बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं, सिखाते हैं कि हाँ औरों को तुम कैसे समझाओ, जो वो पढ़कर सुनाते हैं, सुनाते हैं परंतु समझते नहीं, तो उनको कैसे समझाना चाहिए। युक्ति है पता, बाबा ने युक्ति बताई है। जैसे हनुमान दरवाजे पर जुतियों में बैठता था मंदिर में सत्संग में, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठकर सुनकर आओ। फिर जब ये अक्षर कहें, ये गीता में आता है ना, तो जब वो अध्याय से सुनाए तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो ये देवताएं थे, देवता बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़ता है, तो ये भी तुम कह सकते हो क्योंकि तुम जानते हो। तुम क्या जानते हो? अभी राम राज्य की स्थापना हो रही है, हो रही है। राम राज्य की स्थापना कैसे हो रही है? राम राज्य स्थापन हो रहा है, उसके साथ कौन थे? हनुमान जैसे वानर सेना थी। तो हम सभी भी क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? तुम सब महावीर हो ना। महावीर क्यों? दुनिया वाले समझते हैं पवित्र बनना असंभव है, गृहस्थी में रहकर वो भी, और यहाँ वो बिल्कुल संभव। तो क्या हो गए? पवित्रता को अपनाया, गृहस्थ में रहते हुए तो महावीर हुए। दूसरी महावीरता भी बाबा कहता चाहिए। दूसरी महावीरता क्या चाहिए? हियर नो इविल। असत्य बातें किसी मनुष्य के द्वारा सुनाई हुई मत सुनो, तब तो बनेंगे महावीर, तब प्योरिटी की ताकत अंदर में आएगी। महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि पवित्र कैसे बने, पूछना चाहिए। तो अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। याद आया कि नहीं आया? याद आया माना बल भरता है, उमंग आता है, आता है ना उमंग। तुम पवित्र रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्य के कान कैसे हैं बाबा सुन, मनुष्य के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर ही रहे हुए हैं, और तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती। हाँ, रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती ना। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगती है। Hear no evil। मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है, ये सुजाग करना, जागृति दिलाना, आत्मिक जागृति, आत्मा को जागृति दिलाना, यानी खोए हुए जो गुण हमारे सो गए उनको जगाना है, ये उनके अंदर जागृति दिलानी है। देवता थे और देवता बनना है, पुराने संस्कारों को छोड़ गुण धारण करके देवता, ये जागृति दिलाना, ये स्मृति दिलाना, हाँ ये बाबा कहता है बहुत जरूरी है। मनुष्य को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। जनरेटर क्यों चलाते? बोलो
बोलो हमारे पास ये सत्संग होता है उसमें ये समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। युक्ति क्या है? हमारे पास तो युक्ति है ना, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। ये युक्ति सरल है कि नहीं? कितनी आसान है। तुम बच्चे जानते हो पहले पहले ये भारत बहुत भरपूर खंड था और अभी खाली होने के कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत किस चीज से भरपूर था? धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था, और अब है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हैं हे दुखकर्ता सुखकर्ता आओ। तुम कितनी खुशी से, तुमको कितनी खुशी से बाप पढ़ाते हैं और तुम भी कितनी खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा? समझदार तो उसको कहेंगे, और अगर जानते हुए भी नहीं लेने का पुरुषार्थ करते हैं तो फिर समझदार कैसे कहेंगे उनको? तो बाबा कह, इसलिए बाबा ने कहा ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अल्फ समझना है। अल्फ को नहीं जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में नहीं आएगा। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब ये निश्चय बैठ जाए तब तो आगे बढ़ेंगे ना। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। सारी बातें बाबा पढ़ा देते हैं ना, समझाते हैं। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो, तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसीलिए है। वो भी जीवन मुक्ति है सेकंड में। वो कौन सा सेकंड है जीवन मुक्ति का? वो कौन सा सेकंड होगा जीवन मुक्ति का? जो होशियार स्टूडेंट है वो जानते हैं। जैसे वहाँ होशियार स्टूडेंट समझते हैं कि एग्ज़ाम में मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, तो यहाँ भी जो होशियार होंगे वो समझेंगे। बाबा ने बहुत अच्छी बात समझाई है। क्या पते की बात समझाई है? होशियार बनाया है फुल पास होने के लिए, वो सेकंड का पेपर पास कर दिया। वो सेकंड का पेपर कभी भी आ जाएगा, तो उसके लिए बाबा ने तीन शब्दों का पाठ पढ़ाया, अचानक एवरेडी बहुत काल। तो इसलिए अचानक हाँ पेपर आ जाएगा, उसके लिए एवर रेडी अगर रहना है तो लंबे काल का इसका अभ्यास करता किया हुआ होना चाहिए। तो लंबे समय का अभ्यास करते हैं, इसलिए कहा तब कह हाँ जो जिनको ये अभ्यास होगा वो सेकंड में जीवन मुक्ति के अधिकारी भी बनते हैं। फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य तो याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देवमानी बनने में ही मेहनत है, मेहनत लगती है। इनके लिए भी बहुत सहज है, ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत सहज है। कैसे? तुम बुलाते भी हो बाप दादा, ये भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो। फिर आधा कल्प आपको याद ही नहीं करेंगे। अभी तो बहुत याद करता हूँ, कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था जिसकी पूजा करते थे। हमको ये भी मालूम ही नहीं था कि हम ये बन जाएंगे, ये भी पता नहीं था। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वही हम बन जाएंगे। अभी तो वंडर लगता है। कैसे बनते हैं देवी देवता या ऐसा पूजनीय? योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। ये भी हमारे समान
नर से नारायण बन जाएंगे। हाँ, ब्रह्मा बाप भी बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तुम आए ही हो इसलिए तो कितना समझाता हूँ बच्चे, क्या समझाता है बच्चे, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की बहुत संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ, क्या समझता हूँ, दोष किसी का नहीं समझता हूँ, फिर ये समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है, अभी बाकी समय थोड़ा और रहा हुआ है, बचा हुआ है, क्यों समझ, हाँ ये क्यों बाबा समझता है कि अभी समय पड़ा हुआ है बाकी, क्यों समझता है, हाँ सबकी आंखें बंद हैं, आराम से सो रहे हैं, पढ़ेंगे कब, कीमती टाइम निकाल कर आए हैं ना। तो नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है, क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ भूलें तो होती रहती हैं, कुछ ना कुछ भूलें होती रहती हैं ना, इसलिए छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ बच्चे भूले मत करो, किसी को दुख ना दो, भूल करते हैं गोया दुख देते हो, बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वो तो डायरेक्शन देते हैं, दुख दूर करने के क्या डायरेक्शन देते हैं, माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे, विकर्म दग्ध हो जाएंगे तो मीठे बन जाएंगे, ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने में पवित्र बनो, यहाँ अपवित्र के आने का हुकुम नहीं है, हाँ कभी कभी आने देते हैं, परमिशन देते हैं, ऐसे नहीं कि कोई अपने आप से आ जाते हैं, कभी कभी आने की छुट्टी देते हैं, वो भी केवल अभी, जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे ये है टावर ऑफ प्यूरिटी, टावर ऑफ साइलेंस, ऊंचते ऊंच है ना, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, ये क्या है, ये हाईएस्ट पावर है, वहां बहुत साइलेंस रहती है, आधा कल कोई झगड़ा आदि नहीं होता, और यहाँ तो कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो ही नहीं सकती, शांति का धाम है ही मूल वतन, फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहां भी शांति रहती है, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, अशांति कराता है रावण, तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो, कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है, इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचरा निकल जाता है, पढ़ाई से किचरा नहीं निकलता है, याद से सब किचरा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है, बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, कितनी इजी वे में समझाते हैं, वहाँ तो श्लोक पढ़ते वहाँ सुनाते हैं, लोग अर्थ भी नहीं समझ सकते, याद भी नहीं रख सकते, और बाबा कितनी सहज रीति से सुनाते हैं कि कल तुमको शिक्षा, क्या तुम भूल गए, 5,000 वर्ष की बात है, और वो तो लाखों वर्ष कह देते, 5,000 वर्ष की बात कल की बात के माफी है, और लाखों वर्ष वो कह देते तो बड़ी लंबी हो जाती, अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है, तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है, भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं, तुम खुद कहते हो देवता ही कैसे हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य ही नहीं है, ये तो सहज समझने की बात है, तो फिर क्या करना चाहिए, बस एक बाप को याद करना चाहिए और दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलने बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार
गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारे पवित्र बनने में क्या बनना है? पवित्र बनने के लिए खुद को क्या याद रखना, मैं कौन हूँ? पवित्र बनने में महावीर बनना है, याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है, तो अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। दूसरा, बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है, बाकी हियर नो इविल रॉन्ग बातें मत सुनो। सभी को सुजाग करो, भी जागृति दिलाओ, सच्चा ज्ञान उनको दो, पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। आज का वरदान, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ रहो। आत्मिक शक्ति के आधार पर क्या अनुभव करने वाले? तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ रहो। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग क्या बन जाता है? जब आत्मा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, यानी स्वस्थिति में स्थित है, तो तन का हिसाब किताब क्या बन जाता है? यह रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। कर्म योग की स्थिति की डेप्थ मालूम है तो वो अनुभव करते औरों को भी अनुभवी बनाते। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। आज का इशारा, जो सदा हर्षित मुख रहने वाली आत्मा है, उनके हर संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा, एक सेकंड की रूहानी नजर द्वारा, एक सेकंड के संपर्क द्वारा क्या होता है? जिनके जो सदा हर्षित मुख रहने वाली आत्मा है, उनका हर संकल्प और एक सेकंड की रूहानी नजर या एक सेकंड का संपर्क उसके द्वारा या मुख के एक बोल द्वारा दुखी व गम में रहने वाली आत्मा अपने को सुखी व खुश अनुभव करेगी, क्योंकि उसका कर्तव्य होगा सुख देना और सुख लेना। वे खुद भी बेफिकर बादशाह रहते हैं और दूसरों को भी आप समान बना देते।